कैन डू, यू कैन एक्सेल इन योर कट दे स्टूडियो एंटर होंगे सारी सब तो पहला मिलेगी गोबिंद सिंह जी की फोटो एंड थैंक यू फॉर द ब्लैसिंग बाबा जी की ब्लैसिंग करके ही अज सारा कुछ बनिया वा सो सब तो पहला आप इतों स्टार्ट करते हैं दैन आंदा है अपने को सेवन सीटर सोफा सो द परपज ऑफ दिस क्योंकि हर चीज जो मैं बना रही थी मैं एवरीथिंग मैंने सीगा कि मैं स्पेस यूटिलाइज करा और हर चीज मेरे लिए बेनीफिशियल हो सो यही सोफा मेरे लिए बेनीफिशियल इदा या एक तो अपना वेटिंग एरिया सेम ओके एक हूँ सोफे का जो ए वाला एरिया मैं इनू आप मैं हम सैंडल पाए हुए हाँ सो दिस इज बेसिकली अ टो स्टेशन क्लाइंट आराम इदा पिछले बैठ सकता है टोज इतने रख के इतने अपना लैंप का कनैक्शन है सो दैट लैंप का कनैक्शन उठ गया और ये अपना बन गया टोज वाला एरिया दैन कमिंग टू दिस पार्ट ऑफ द सोफा ए आप लैशिज वाला सिस्टम रखे हुआ वा कमिंग टू दिस एरिया ए मेरा आ जाता वा हूँ ना ए वाला सोफा मैं कस्टमाइज कराया सीगा बिकॉज इस तो पहला जो मेरे को सोफा सी ना उदी जो आ वाली बैक सीगी ए पूरी इतने तक सीगी जिदे करके थोड़ा मैं समान रखने और चक्कर प्रॉब्लम आ गई थी सो बाय टाइम मैं इनू कस्टमाइज करके इतों कटा दिता और हूँ मेरे को एक वाइडर एरिया आ फॉर माई पिल्लो फॉर द लाइट एंड जिमें हूँ मैं इस मटीरियल जो कलैक्ट करना है वट एवर तो मैं रखने लिए सो मैं इदा ईजी लगता है एंड इतने हैगा आ मेरा सारा लैशिज कपिटारा सो ये मेरे टूल्स पे आ फैनस क्लिनजर ये मेरे सारे लैश ट्रेज ये बेसिकली जिमें क्लासिज के टाइम ज़्यादा यूज हों बट जो मोस्टली मैं सिखाना हों सॉरी क्लास का टाइम आ यूज हों मोस्टली जो मैं सर्विस करनी होंगी आ फिर मेरी आ वाली लैशिज यूज होंगी ये जो मोस्टली कुछ तो आ वाली जिमें इतों रही है उस तो बाद जिमें हम मैं लूशियस यूज करती हाँ एंड इस अलावा मेरे को इंटरनेशनल ब्रांड्स जो है सारे वो मैं सारे फिर इदा अलग अलग करके रखे हुए जिमें ये सारी मेरी कलैक्शन है वन इज़ फ्रॉम कैनेडा वन इज़ फ्रॉम USA वन इज़ फ्रॉम न्यूजीलैंड मैं सारे मंगाती रहनी हाँ फिर मैं ना ये पूरे यूज नहीं करती हैगी है ना मतलब भी मैं यूज जरूर करती हाँ बट उस तो बाद मैं रखा हों भी स्टूडेंट्स को फर्क समझाने लिए भी टैक्सचर है ना भी हेयर का टैक्सचर आप भी देखा और आप भी देखा अपने फर्क इदा पता लगेगा सो ए जो ने कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स है कुछ होर भी ने नीचे पईया ने कुछ आ वाई वाई लैशेज हो गई है ना इदा मतलब ना सारे हेयर से टैक्सचर्स मैं संभाल के रखती हूँ ताकि वैन स्टूडेंट कम्स तो फिर मैं उन्हें समझा सकता बाकी क्लाइंट्स ऊपर मैं पता भी मैं रेगुलर अपना ह्यूमन हेयर जो वो यूज करना है एंड फिर अपने को आंदियां ने मुंडियां सो ये मुंडियां बेसिकली ना आप काम करते करते स्टूडेंट्स ने ना कुछ ज्यादा ही इन्हों का मेकअप कर दिता हुआ तो फिर मेकअप देख सकते हो मेकअप जो है बहुत फ्लॉलेस है ब्लैक कलर की ग्लू नाल होया हुआ वा सो मेकअप की क्लासिज के चक्कर से इन्हों शक्ल इन बिगड़ गई भी लैशिज की जगह सू मे लैश लगा के प्रैक्टिस करनी पैनी सो इतने आप है ना लगा लगा के प्रैक्टिस करते हैं कई बार इतने भी लगानी पैंती है क्योंकि इतने बहुत ज्यादा खराब हो गया फिर पैच लगा के करना पैदा है काम कुछ सही भी है ने कुछ जिम्मे जिन्हों के हालात थोड़े सही ने बट स्टिल थोड़ा काइंडली एक्सक्यूज दे पहला ना इन्हों इदा रख्या होया इतने थोड़ा जहा जिम्मे सजा के तो जे कभी असं राती इतने आते ना या जो लाइट नहीं होंगी या जो कोई भी नहीं हों थोड़ा इदा डरावने वाली फील आती सी भी ओके की पिया वा जब दूरों देखो तो किसी का फेस पिया वा सो इन्हों हूँ मैं ना इदा करके इदा उल्टा करके इन्हों सवा दी हाँ सो दैट ओके हूँ जाओ सो जो ठीक है सो दिस वॉज माई लैश स्टेशन जिस मेरा ऑलमोस्ट सारा समान लैशिज का पिया आ एंड लास्ट वाले दे विच मेरे कुछ इक्यूपमेंट्स पे आ जिमें कि एपलेंट्स पे ने एंड कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वाला समान पिया हुआ वा एंड उस तो बाद आप आ जाने कमिंग टू दिस होल सेक्शन ऑफ जेल पॉलिशेस सो वैन आई फर्स्ट स्टार्टेड मतलब भी मैं बैठ जाऊँ या मैं थक जाऊँ बैठ जाऊँ
एक मिनट मैंने दही फोन। हाँ जी तो आप गल कर रहे थे वाले पाउडर के बारे में। हम मैंने ना बहुत जन ने कहना कि तुम है ना कि मैम आप प्लीज़ हिंदी में बात करो, और बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑडियंस हिंदी, अब क्लासेस भी हिंदी में ही होती है मेरी जो भी क्लासेस आप ऑनलाइन बेसिस पे लोगे वो सारी हिंदी में ही होती है बिकॉज टू टारगेट द वाइडर ऑडियंस। पर अब इसमें क्या होगा, मतलब मेरे को पर्सनली क्योंकि पंजाबी बोलनी कंफर्टेबल लगती है तो मैं पंजाबी बोल के थोड़ी ज़्यादा खुश हाँ, एंड आई फील लाइक वाई टू नैगलैक्ट योर कल्चर जो तुम उन्हें प्रमोट नहीं कर सकते हो। सो मैं हूँ भी ब्लॉग पंजाबी बना रही हूँ एंड आई होप भी मैं पंजाबी ही बनाऊंगी फॉरवर्ड अगे भी। सो इतने आप आके गल करांगे मेरे पॉलिश सैक्शन की, तो जिन्हें जिमें उपरली लेयर देख रहे हो उमी उन्नी वो पुरानी लेयर है। सो अगर तुम वो वाली पॉलिश की गल करोगे तो उन्नी पुरानी है। तो इस सैट च पता कि होंगे सैट च सारे कलर्स कदम भी खत्म नहीं होंगे, सारे कलर्स इकट्ठे भी कदम यूज नहीं होंगे। मोस्टली जोड़े जिम्मे मान लो 6-7 कलर्स तो बिल्कुल खत्म नालों नाल ही हो जाते हैं जो सैट आता है, तो फिर वो हम आप सैट खराब नहीं करते है, बस वो आप काटा मार दें शेड कार्ड के उपर तो उन्होंने उत्ते उत्ते चढ़ा देने। हम जिन्नी नीचे नीचे पॉलिशिज ने नवी ने, जो उपर उपर ने जमें थोड़िया विच कुछ है ने, कुछ खत्म ने। सो दैट्स आउ एंड जो मैं इधर शिफ्ट करया सी, अज मैं ऑलमोस्ट 2 साल हो गए इधर शिफ्ट करे नू। सो बेसिकली पहला साडा बैडरूम हुंदा सीगा एंड आपां इहनू फिर चेंज करिया मेरे स्टूडियो दे विच, एंड उदो ना मेरिया सिर्फ 3 शेल्फा भरिया हुई सी, और वह भी ना जिम्मे बड़ी दूर दूर मैं पॉलिशिज रखिया सीगा भी इन्ना थोड़ा सीगा, एंड विद इन 2 साल हूँ मैंने ना डबल डबल करके रखने पैदा ने। इतने डबल ने है ना एंड उत्थे भी कुछ डबल ने, बट उधर जिधर मेरा वाला सैक्शन है उत्थे ता 4-4 पॉलिशिज कट्ठे लैके रखे ने। सो इत्थे आ गया अपना वाला सैक्शन, हुण आपां अगे चलते हैं। सो इत्थे अपनिया है चेयरस जिहड़ियां अपनिया वर्किंग चेयरस है ना, जो कि गोल गोल भी घूमदियां ने, सो दैट तुसीं इदां इहदे ते पूरा अपने जवाक लगे हो उसे ते घुमाई जाओ, नहीं तुसीं इहदे ते गोल गोल घूम के इदां पॉलिश चक के इत्थे रख सकदे हो। एंड ए अपने कोले सेम ए वाहियां चेयरस फोर्टिकली पंजाबी इतने अपना हैगा वा स्विच बोर्ड, जो कि मैं गलती की है थोड़ी जी। अगर तुम जमें फर्दर स्टूडियो बनाने की सोच रहे हो या थोड़े माइंड से है, तो मैं तुम यही कहूंगी कि जो अपने स्विचेस ने टेबल के अंदर रखवाओ, बिकॉज जिहड़ियां अपनियां हाँ लैंप्स दियां वायर हुंदियां ने कुछ ज़्यादा लंबी नहीं हुंदी है कि हार्डली मिलना तो एक 1-2 फुट की, फिर ये जो आप इतनी पीछे तक लैके जाने ना फिर खिंचिया जाने ने तो खराब हो जाए बहुत जल्दी, तो लैंप मेरे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं इस करके, क्योंकि आपां नूं एक नाइस डिस्टेंस चाहिए वा ताकि आपां इहनूं गोल गोल घुमा सकीए। ठीक है अगे हुण आपां आ जांदे आ 4 चेयरस इधर ने, फिर अपने कोल हैगा इत्थे एक डस्ट कलैक्टर। ठीक है डस्ट कलैक्टर इज फॉर पहला मेरे को टेबल सीगा वो होर सी, फिर मैं चेंज करा लिया सीगा ऑल बिकॉज ऑफ मैनूं डस्ट कलैक्टर्स विच चाहिए सी, एक इधर भी है एक उधर, मैं हले लगाया नहीं इन्नी जरूरत नहीं सी, फिर मैं फिलहाल सिर्फ इधर ही लगाया। दैन लैट्स कम टूवर्ड्स दिस सैक्शन, हूँ इतने ना मैं सैक्शनिंग रखवाई है और एक रोम लगी हुई है और एक वाइट मार्बल वाला टेबल से, इधर ना स्टूडेंट वाला एरिया आ, सो मैं इतने कवर चढ़ा दिनी हूँ भी वो खराब ना हो, अगर मैं चाहवा मैं कभी भी उतार सकती हाँ, ये वाले कवर से साढ़े स्टोर तो मिल जाएंगे। एंड इतने मैं लैम्प्स रखे हुए ने, दैन आप कुछ तुम अपना कलाकृतियाँ भी दिखावे जो कि आह असी रेडी कर करके नेल्स रखे हुए हैं, ये मैं स्टूडेंट्स नूं ही फड़ा दिनी हूँ भी तुसी इनू देखो और इनू देख के कॉपी करो। ठीक है और तुसी अपने पोर्टफोलियोज रेडी करो। सो ये कुछ नेल्स है ना, ये मैं चलो थोड़ा देख दिनी हाँ भी ये थोड़ा मास्टर्स वाले कंसैप्ट ने, तो एक अपना भी ये भी स्टूडेंट्स वाली साइड ही पिया है, स्टूडेंट्स कोल ही हुंदा ऑल द टाइम, सो वो ये चो देखते हैं और अपने अपने यू नो आर्ट्स क्रिएट करते हैं। आ फोटो लगी हुई है मेरी, देखो गाइस मैं छोटी जी कुछ पुराने कुछ ये भी पे चेयर मेन पापा ने लिया ये तेरी चेयर आ तू इत बैठना वा ते मैं कितने बैठी होनी हाँ या वो खुंजे या वो खुंजे। सो ये चेयरस फिर मोस्टली आप फ्रेंडली एक एक्स्ट्रा रखी हुई है, अदरवाइज मेरे को 4 ब्लू चेयरस आ एंड 4 ही मेरे को आ वाली चेयरस आ, तो इधर वाले सैक्शन के ऑलमोस्ट कुछ मैं पिगमेंट्स रखे है कुछ फॉयल्स पईया ने बहुत घट घट चीज़ा ही, मोस्टली इतने पॉलिशिज ही ने जेल पॉलिशिज अगैन
जिन्नी पुरानी है मैं उपर चढ़ा दिनी है जो नवी नवी ने नीचे ने ठीक है। एंड इस बारी मैं टेबल दे विच कुछ ड्रॉअर्स भी रखाई सी जो मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि काफी ज्यादा मैस होया हुआ है। बाय 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 नहीं दिखा सकती ना बड़ा मैस। आ देख लो ए हैंड रेस्ट पे आ शेप कार्ड्स पे आ और ये जिम्मे मेरी स्पाइडर जेल्स वगैरह ने बॉक्स के इलैक्ट्रिकल समान पाया वा बस और कुछ नहीं है। आ सोफे दोगिया है ना तो दो मैं स्टूल भी रखे एक्स्ट्रा सो दैट अगर जिम्मे स्टूडेंट्स कई बार लोड पै जी आप फिर आप उत्थे उत्थे रख लें आराम न। एंड ए वाला जो मेरा कॉर्नर आ ये मेरा सब तो ज्यादा फेवरेट आ। मैं अंदर वर के दिखा इतने डस्टबिन भी पिया इतने मेरे को एक दो तीन चार लैम्पस पे ने फिर अपना एक आह स्टैंड फिर एक लाइट ये मैं सारिया ना ड्रिल बिट्स रखी हुई ने क्योंकि ये घूम जाए ने है ना फिर दैट्स वाई ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ ਪਲੀਜ਼ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੂੰ ਜਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ੂਮ ਨਾ ਕਰ ਜ਼ੂਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ੂਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 10 ਰੁਪਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਆ ਇੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਦੇਖੇ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਕੀ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿਰੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਨਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਣੇ ਵਾਲੀ पर इन्हें अपना नीचे रखा हुआ वा फिर इतने कुछ होर बास्केट्स पे जिमें कुछ फाइलर्स पे सारे स्टूडेंट्स वाले ही ने एंड फिर आ पॉली जेल्स इच जेल्स पे पाउडर्स एक्रेलिक पाउडर्स और जेल्स बाकी उदे च पई ने। एंड ओके आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई फेवरेट कॉर्नर ऑफ माई स्टूडियो इज दिस क्योंकि ये चीज़ ना मैं कभी देखी नहीं सी बट मैं बहुत सोच सोच के मतलब बहुत ही ज्यादा दिमाग ला के बनाई सी कि मैनू ये चीज चाहिए बिकॉज आई वॉन्ट कि जो तो कोई एंटर करे जिम्मे सपोज यू एंटर एंड यू वॉन्ट सो थोड़ा रॉयल वाली लुक दिंदा है। एंड ब्लू कलर और पिंक कलर का अपना थोड़ा कॉम्बीनेशन रखा सी जिस ग्रे भी एड हो गया वाइट भी एड हो गया दैन फर्दर ब्लैक भी एड हो गया सो इट हैपन्ड। बट ए वाला कॉर्नर मेरा फेवरेट है बिकॉज इट गिवस द टच ऑफ रॉयल्टी मतलब जो तो फोटोज के भी बैकग्राउंड आता है तो बहुत अच्छा आता है और मेरा जो सर्टिफिकेट कॉर्नर सीगा वो इन्हें बहुत अच्छा बनाता सो आई एक्चुअली लाइक दिस होल थिंग। एंड उदू बाद अपना आ फोटो क्योंकि शेप्स आ गया एंड मेल्स बिफोर मेल्स फिर अपनी डेली लैश टिप्स लैश स्टाइल्स एंड आई डोंट डू ड्रामा आई डू नेल्स तो फिर अपन अगे कॉर्नर के बारे इतने भी मैं कुछ आह लगाई हुई ने आह टंगन ले अपने शीट कार्ड्स क्योंकि सारे फिलहाल उधर ही है बिकॉज क्लाइंट्स ना अजकल असं ज़्यादा उधर ही कर रहे हैं इधर मोस्टली स्टूडेंट्स होंगे या ये वाला एरिया घट ही यूज होंगे। एंड उस तो बाद हम इस एरिया तो बाहर आते हुए आ जाने माई वॉकिंग प्लेस जो कि हजे थोड़ी जी होर इनकम्प्लीट आ बट हौली हौली कंप्लीट हो जूगी हूँ इतने क्योंकि कुछ आप लिखना सीगा फिर इतने आप कुछ फ्लावर वाला एलीमेंट ऐड करना सी बट हौली हौली करा इट्स ओके मैंने सीगा कि ये चक्कर मेरा टूर हो लेट हो जाता सो एंड उस तो बाद मैं दिखाऊंगी मेरे क्यूट क्यूट चेयर्स ये मैं बाद ऐड करी हाँ जो मैं इतने बनाया बिकॉज इतने पहला मेरी एक अलमीरा सी जिस मेरा सारा समान आ ओवर ही अलमीरा हूँ मैं उधर ही लैगी हूँ घर के सारा समान है नेल्स का सो जो कुछ चाहिए होंगे उधर जाना पैदा है मोस्ट ऑफ द टाइम कट दैन फिर पहला इतने अलमीरा से अलमीरा आप उधर लै गए हूँ अपने इतने फिर मैं टेबल बनाया सी। एंड ए वाले टेबल की खासियत यह है कि यह ना लाइक फोल्डेबल टेबल है जे मैं चाहवा तो इन कभी भी इदा चक के बट मैं हूँ चक नहीं सकती हाँ पिया आ तो मैं इनू बंद कर सकती हूँ मतलब पूरा इदा अलमीरा टाइप बंद हो जाता आप इतों खोल सकते हैं इनू बट जदों का यह आया वा टचवुड इन्हें बहुत काम दिता है सो कभी बंद होया ही नहीं हमेशा खुला ही रहा है। सो ए हैगा मेरा वर्क स्टेशन जिदे कि ऑलमोस्ट ए भी जो आता सी तो काफ़ी खाली से समान रखते रखते हो गया हूँ आप सब तो पहले वाले की गल करेंगे तो उस मेरे कुछ गिफ्ट्स पे आ कुछ गिफ्ट्स ने बाकी मोस्टली मैं उधर ही लै गई सी मैंने कुछ स्टूडेंट्स ने गिफ्ट करी हुई चीज़ा ने बड़िया क्यूट क्यूट वैसे मैंने ज़्यादातर गिफ्ट ना आह ईयर रिंग्स हो गए नेकलेस हो गए ये चीज़ा मिली फिर ये तो मैं बहुत संभाल के रख रही हूँ बाकी जिदा ये हो गया एक कुछ जो शोपीस वाली सी फिर मैं क्या इतें ही रहना चाहिए एंड वन दैट आइटम वो भी गिफ्टेड आ जो उ ईवी लाई वाला पिया है ना
ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸੀਲਿੰਗ ਸੀਲਿੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਝੂਮਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸੋ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਅ ਸਪੀਕਰ ਐਨੀ ਮੋਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਾਣੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਏਸੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਫ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਈ ਸੀਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਂਡ ਉਹ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡ੍ਰਿਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਾਈਆਂ ਸੀ ਐਂਡ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਲਾ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਰਨਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੈਨ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਹ ਫੋਨ ਹੋਲਡਰ ਐਂਡ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਹੋਲਡਰ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਟਿਪਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਨਸੈਸਰੀ ਆਈਟਮਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਪੈਂਡਿਸ਼ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਲੀਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨੀਚੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਨੋਮਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਟਲ 'ਚ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗਲੂ ਆ ਫਿਰ ਮੈਜਿਕ ਰਿਮੂਵਰ ਟੋਪ ਕੋਟਸ ਪ੍ਰਾਈਮਰਸ ਗਲੂ ਟੋਰਚ ਇੱਕ ਆ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਫਰੈਂਚ ਬੇਸ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਕਲਰਸ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਉਹ ਕੁਛ ਬੇਸਿਕ ਕਲਰਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਪ ਕੋਟ ਬੇਸ ਕੁਛ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ EMI ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਡਰਿਲ ਬਿਟਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੋਇਲਟੀ ਕਾਰਡਸ ਫਿਰ ਲੋਇਲਟੀ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਨਾਓ ਵਟ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਜ਼ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆ ਬਲੈਂਕ ਕਾਰਡ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਜਿਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਆਫ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 6 ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲਸ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਵੀ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਵਰਕਸ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਨੇ ਐਂਡ ਇੱਕ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਜ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਅਸੈਸਰੀ ਹੈਂਗਲਿੰਗਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਅਸੈਸਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਅਲਮੀਰਾ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਨੀਚੇ ਟਿਪਸ ਨੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਟਿਪਸ ਹੀ ਨੇ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਡਰਿਲਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਾਰਬਿੰਗ ਜੈਲਸ ਸਪਾਈਡਰ ਜੈਲਸ ਨੇ ਐਂਡ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਊਡਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੋਮਸ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਆਫ ਇਟ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਮੇਨ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਟੋਨਸ ਇੱਥੇ ਫਾਈਲਰ ਬਫਰਸ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਸਮਾਨ ਵਾਈਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਂਡ ਕੁਝ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਟਾਵਲਸ ਟਿਪਸ ਔਰ ਸਟਿੱਕਰਸ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਆ ਕੁਛ ਆਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕੁਛ 5D ਫਲਾਵਰਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਈ ਵਾਜ਼ 18 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਟੂਡੇ ਆਈ ਐਮ 20 ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਨੀਡ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਹੋਰ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਫ ਮੂਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਬਟ ਨੇਲਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਮੈਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਲਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਉਹ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਈ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਮੇਰਾ ਗਲੋਸ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਐਮ ਬੈਕ ਵਿਦ ਮਾਈ ਗਲੋਸ ਔਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਨੈਵਰ ਬਿਲੀਵ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਪਾਊਂਗੀ ਆਪਣੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਨ ਦਾ ਏਜ ਆਫ 18 ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਕੀਪ ਹਸਲਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਏਵਰ ਯੋਰ ਫੀਲਡ ਇਜ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵਾਈਟਲ ਰੋਲ ਇਨ ਯੋਰ ਗਰੋਥ ਨਾਓਡੇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਸਟਾ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਦੋ ਓਨਲੀ ਕੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ, ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ, ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਰ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਾਂ। ਸੋ ਯਾ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ।